Assalamualaikum and a very good morning. Expresso में आपको खुश आमदीद कहेंगे. मैं हूँ उर्मिला हसन. और मैं हूँ इमरान हसन. इस उम्मीद और दुआ के साथ कि आप खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं और मज़े से हमारा शो ट्यून किए हुए हैं और आज एक नए दिन का आगाज़ करने के लिए तैयार हैं. पाकिस्तान के कुछ इलाकों में बारिश की शुनीद है कि आज बारिश हो सकती है. इम्कान है. हाँ, ये पहले क्यों बोला? नहीं, आपके लिए नहीं हो मुश्किल अल्फाज. ठीक है, अच्छा तो वो बारिश हो सकती है कुछ इलाकों में पाकिस्तान की खबर ये है. और उसके साथ साथ पाकिस्तान के ही कुछ इलाकों में खबर ये है कि आज गर्मी भी बहुत शदीद पड़ने वाली है जिसमें पंजाब का बहुत सारा इलाका शामिल है. कराची में कल थोड़ी सी शाम के वक्त हल्की बारिश. अभी तो लाहौर में वेदर थोड़ा हवा चल रही थी और धूप नहीं थी सुबह, मतलब थोड़ा क्लाउडी सा वेदर था. बट स्टिल अभी भी क्या सुबह ही है. नहीं, मतलब हमारी सुबह बहुत जल्दी हो जाती है. अभी भी सुबह ही है. अच्छा जी, ईद का चांद नजर नहीं आया कल शाम को. क्या हो गया? इट्स अ न्यूज़. ईद का चांद नजर नहीं आया, सऊदी अरब में नजर आया है. तो सऊदी अरब में जो ईद है वो 9 जुलाई को होगी और पाकिस्तान में जो ईद है वो 10 जुलाई को होगी. अब कहेंगे ये वाली ईद एक ही होगी पाकिस्तान में. ये ईद एक ही होती है. ये पेशावर में पहले नहीं. खैर, ये बताने की वजह क्या है? बताने की वजह कि हमारे पास और कोई स्टोरी नहीं थी ऐसा शेयर करने के लिए. कितनी हम लोड शेडिंग की बात करें, कितना हम हुकूमत के वादों और दावों की बात करें. दिस इज सो रूड कि आप अपने ही सारा कुछ बता रहे हैं कि हमारे पास कुछ और था नहीं बताने के लिए. सच किसी शो में बताया जाता है भाई, और कोई स्टोरी नहीं है. हमने कहा आपके साथ हम ईद की खबर शेयर करें और आते इन्होंने मेरे पे एहसान किया कि जाए मैं आपको स्टोरी देता हूँ ईद का चांद नजर. अच्छा चले, लेकिन इसका एक इस्लामी पहलू भी आपको बता दें कि ये जो जिलहज के पहले 10 दिन होते हैं इनकी बड़ी फजीलत बताई गई है इस्लाम के अंदर. और ये भी कहा गया है कि आप अगर इन 10 दिनों में बाल और नाखून खास तौर पर ना काटें तो आपको हज जितना सवाब मिलता है उसकी बड़ी फजीलत है. सो हमने कहा आपको ये भी रिमाइंडर दे देते हैं कि आज अगर मगरिब से पहले आप अपनी तराश खराश कर लें और अगले 10 दिन ना करें तो उसमें आपको बड़ा सवाब होगा जब आप हज के मौके. और जो कुर्बानी भी करते हैं उनके लिए भी ये स्पेसिफिक होता है. गेस तो ये सारे मामला जिस तरह से जनाब ईद की तैयारी आप करते रहे क्योंकि 10 जुलाई को ईद है जो कि इतवार का दिन बनता है. तो ताड़ी तो छुट्टी गई नहीं, छुट्टी के मसला चल रहा है. छुट्टी का मसला चल रहा है. छुट्टी है ना, संडे छुट्टी है, संडे भी छुट्टी है और साथ ही छुट्टी है. तो वैसे अगर मंगल बुध को होती है तो इलाहदा बात है कि लोग पूरे वीक की बना लेते हैं. हाँ, वैसे हमारे दो दिन पहले दो दिन बाद में मिला के एक दिन वैसे ही सर दे दो. चलिए जनाब, ईद के हवाले से भी और चूंकि हमारे शो में पॉलिटिकल टच थोड़ा ज्यादा होता है और आगाज में हम आपको बताते हैं आज की हेडलाइन. खबरदार होशियार, महंगाई का तूफान तेज होने को तैयार. 1 जुलाई से तनख्वाहदार तबके पर टैक्सेस लगेंगे. पेट्रोल, बिजली और गैस में बड़ा इजाफा होगा. बिजली की लोड शेडिंग का दौरानिया भी मजीद बढ़ेगा. माशी माहिरीन ने आइंदा माली साल आवाम पर भारी पड़ने की पेशगोई कर दी. पीटीआई के अंदरूनी इख्तलाफात सामने आने लगे. पीटीआई के सीनियर और मरकजी रहनुमा ने अपनी ही जमात पर साजिश का बड़ा इल्जाम लगा दिया. 2018 में सूबाई हल्के 217 का इलेक्शन मेरी पार्टी ने ही मुझे हराया. वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी ने नया पेंडोरा बॉक्स खोल दिया. पंजाब में जिमनी इलेक्शन का बड़ा मार्का. सियासी जमातें मुताबिक सफबंदी शुरू हो गई. हमजा शाहबाज वजीर आला रहेंगे या दोबारा इलेक्शन होगा? लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से आज महफूज फैसला सुनाए जाने का इम्कान. कोरोना वायरस हर गुजरते दिन के साथ खतरनाक होने लगा. मस्बत केसेस की शरह 4% तक पहुँच गयी. वजीर सेहत अब्दुल कादिर पटेल का एक माह में 5 से 11 साल तक के बच्चों की वैक्सीनेशन शुरू करने का ऐलान. जिलहज का चांद नजर ना आया. मुल्क भर में ईद उल अज़हा इतवार 10 जुलाई को होगी. सऊदी अरब में चांद नजर आ गया. हज का रुकन आजम वकूफ अरफा 8 जुलाई जबकि ईद उल अज़हा 9 जुलाई को मनाई जाएगी. और सेगमेंट सफर है शर्त पे वकार अहमद मलिक सैर करवा रहे हैं हुस्न बेमिसाल वादी गजर की. जी जनाब, हेडलाइंस आपने जानी और अभी आगे बढ़ेंगे, आपको बताएंगे आज की बड़ी खबर. पाकिस्तान के ऊपर ये जो महंगाई का तूफान है मजीद तेज होने को है. बहुत से लोग कहेंगे इससे ज्यादा तेज क्या, तो अंदाजा इससे लगा ले कि अगर अभी आप पेट्रोल तकरीबन 2034-2035 का खरीद रहे और अगर मेरी जबान मुबारक हो गई तो देखिए पाकिस्तान
पाकिस्तान का क्या 234-235 का खरीद रहे हैं तो इसमें 50 रुपये और इजाफा हो सकता है। इट मे रीच टू अराउंड 280-285 तक। पीडीएल में इजाफा होना है। कौमी असम्बली ने टैक्सेस से भरपूर जो फाइनेंस बिल 2022 है इसकी मंजूरी दे दी है। इत्तेफाकी बजट तरामीम के साथ कसरत राय से मंजूर हो गया है, जिस पर पीटीएफ थोड़ा सा परेशान भी हो रही है और पछता भी रही है कि काश इसको थोड़ा सा हम इसका मुकाबला ही कर सकते और ये ना करने देते। अब 50 रुपये फी लीटर पेट्रोल बढ़ेगा, बिजली महंगी होगी, गैस महंगी होगी और 50,000 से ज़्यादा जो महाना तनख्वाह लेने वाले हमारे दोस्त हैं उनको 2.5% टैक्स भी देना पड़ेगा। छोटे रिटेलर्स जिनका महाना बिजली का बिल 30,000 रुपए आता है उसे हर माह 3,000 फिक्स टैक्स भी देना पड़ेगा। इसके साथ साथ अगर बात करें 15 करोड़ से 30 करोड़ रुपए से ज्यादा जो सालाना आमदन है उस पर 4% टैक्स वसूल किया जाएगा, जबकि 13 बड़ी सनतों पर 10% सुपर टैक्स भी लगा दिया गया जो अभी से सनतकारों ने आवाम पर मुंतकिल करना शुरू कर दिया है। हुकूमत को इस वक्त जी मौसी महाज पर शदीद मुश्किलात का सामना है। कमर तोड़ महंगाई है, बिजली का संगीन बहरान है, जहां हुकूमत की परेशानी बढ़ी है वहीं अपोजिशन जमात तहरीक इंसाफ भी अंदरूनी इख्तलाफात उनमें सामने आ रहे हैं। पार्टी के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी ने अपनी ही पार्टी पर साजिश का बड़ा इंकशाफ कर दिया और अपनी जमात पर संगीन इल्जाम लगाया। उन्होंने क्या कहा आपको सुनवाते हैं। मेरी अपनी पार्टी ने साजिश की और 2018 में मुझे यहाँ से सुबह असेंबली का मेंबर हरवाया। किसने? पीटीआई ने। बर्मला कह रहा हूँ और खान को भी कहा है। मुझे क्या फर्क पड़ा, मैं तो वजीर खारजा बन गया, तुम्हें फर्क पड़ा। मुझे लोगों ने कहा मत लड़ाओ जैन को, वाइस चेयरमैन का बेटा हार गया बड़ी बेइज्जती होगी। मैंने कहा नहीं, कुछ जंग सिर्फ जीत के लिए नहीं लड़ी जाती। जी तो दूसरी जाने पंजाब में 3 माह से जारी जो सियासी बहरान है वो भी मंतकी अंजाम की तरफ बढ़ रहा है। आज हमजा शहबाज को वजारत आला से हटाने से मुतालिक लाहौर हाईकोर्ट का अहम फैसला आने का अमकान है। इसके साथ साथ अगर पंजाब ज़मीनी इलेक्शन की बात की जाए तो बड़ा मार्का होने जा रहा है और सियासी जमातें भी खासी मुतहरक नजर आ रही हैं। जोड़ तोड़ का सिलसिला भी जारी है, लेकिन तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन से पहले ही इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर संगीन इल्जाम लगाए हैं और उनसे इस्तीफे का भी मुतालबा किया है। पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी क्या कहते हैं आप सुन। मुसलसल इलेक्शन कमीशन के जो फैसले हैं उनको आला अदलिया जो है वो रिजेक्ट कर रही है, इसलिए इसकी वजह ज़्यादा ये लग रही है कि इलेक्शन कमीशन के फैसले कानून के मुताबिक नहीं। इलेक्शन कमीशन एक ऐसा इदारा बन के आया है जिस पे मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात को तो बिल्कुल भी एतबार नहीं रहा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ये आइन को बैक डोर से बदलना चाह रहे हैं जो कि इलीगल है और हम समझते हैं इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमिश्नर खास तौर पे इस्तीफा दें क्योंकि उनकी क्रेडिबिलिटी बिल्कुल खत्म हो गई है। वेलकम बैक जी। अच्छा अब आमिर इलियास राणा साहब हमारे साथ मौजूद है, सीनियर साफी और तजियाकार हमारे ब्यूरो चीफ भी, उनसे ज़रा बात करते हैं। और आपने सुना कि इस वक्त पीटीआई के रहनुमाओं का क्या कहना है। दो मुख्तलिफ मौकफ हमने आपके सामने रख दिए। एक तो जो वाइस चेयरमैन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के शाह महमूद साहब, वो इस वक्त कह रहे हैं कि मुझे मेरी पार्टी ने हराया इसलिए कि ताकि मैं पंजाब में ना आऊँ। और दूसरी जानब फवाद साहब क्या कह रहे हैं इलेक्शन कमीशन को लेकर, आपने सुना। आमिर इलियास राणा साहब बहुत शुक्रिया, सूरत हाल आपके सामने है। इस वक्त जो बिल्ट हो रही है खासतौर पर तहरीक इंसाफ की पॉलिटिक्स को लेकर, और तहरीक इंसाफ ने एक बार फिर कॉल दे दी है तमाम लोगों को कि वो परेड ग्राउंड में आए और इमरान खान साहब ने कहा है कि हम प्रूफ करेंगे कि पाकिस्तान एक जिंदा कौम है, हम भरपूर एहतजाज करेंगे। इस एहतजाज का इम्पैक्ट कोई हुकूमत के ऊपर देख रहे हैं आप आमिर इलियास? देखें पहली बात तो यह है कि जितनी भी सियासी जमातें हैं और फिर पीटीआई एक बड़ी जमात है और वो अपना जमहूरी हक इस्तेमाल करते हुए जब कोई जद्दोजहद करती है, कोई जलसा करती है, तो ये कोई ऐसी बात नहीं है कि जो पहले नहीं। पीएमएलएन भी यही काम करती रही, पीपल्स पार्टी भी करती रही और इमरान खान साहब खुद भी पहले यही काम करते रहे और अमलन वो वजीर आजम होते हुए भी अपोजिशन लीडर की जुबान ही इस्तेमाल करते रहते हैं क्योंकि वो अंडे टमाटर की कीमतें ठीक करने नहीं आए थे जब वजीर आजम थे, लेकिन अब वो चाहते हैं गाय की कीमत जो बात है वो लोगों के सामने वो खुद करें। उस वक्त वो बतौर वजीर आजम कहते थे मेरा ये काम नहीं, लेकिन उनका ख्याल ये है कि अपोजिशन में होते हुए उनकी ये जिम्मेदारी बनती है और जो नया वजीर आजम आया है वो शायद कोई और मखलूक है जिसकी ये जिम्मेदारी अंडे टमाटर के ऊपर जरूर है तो वो कीमतों पर रखे। बिल्कुल सही बात है कि अपोजिशन जब तक अपना प्रेशर नहीं बनाएगी हुकूमत के लिए मसाइल पैदा नहीं होंगे, और हुकूमत के लिए मसाइल पैदा होंगे तो शायद उनको भी ज्यादा फर्क पड़ेगा कि लोगों की तरफ हमें तवज्जो करनी होगी। लेकिन जब हम ओवरऑल कैनवस पे देखें तो क्या कोई भी वजीर आजम, चाहे वो वजीर आजम इमरान खान थे, बेशक एंड पे चूंकि उन्होंने एक फैसला कर लिया था कि मैं कीमतों से नहीं हूँ बल्कि
IMF के साथ रिटर्न मुआहदा करके उसकी खिलाफ वर्जी करते हुए पेट्रोलियम की कीमतें न सिर्फ 10 रुपए कम की बल्कि कुछ अरसे के लिए फ्रीज कर दी, जिसके लिए सारा PSDP उधर रवाना हो गया और आखिरी समय में फंड भी रिलीज ना हुए। अब ये जो शरीफ और इनकी साथ इत्तेहादी जमातें आई हैं, तो ये क्या इसलिए के लिए आपने जो इंट्रो पढ़ा जो सारा कुछ बजट में पास हुआ कि इनको लोगों की तरफ से दशनाम त्रादियां भी मिले, बुराई भी मिले, इनके अपने हामी भी फंस जाएं कि क्या करें और क्या ना करें। लेकिन बात सिंपल सी है, हमें बड़ी क्लैरिटी के साथ बात करनी होगी कि अगर आप एक रियासत के तौर पर मुआहदा करते हैं दुनिया में किसी भी जगह पे, तो आप में से एक शख्स तो मुकर सकता है, पाकिस्तान की स्टेट नहीं मुकर सकती, उससे उस ऐद से पीछे नहीं हट सकती। और खास तौर पे जब आपके पास कर्जों से ही मईशत चलाने का एक सिस्टम चल रहा हो, तो नई हुकूमत को भी जाके डिफॉल्ट से बचने के लिए वही बात करनी थी, तो शरायत भी उन्हीं की माननी थी। क्योंकि एक हुकूमत बात करके पैसे लेके फौरन उससे पीछे हट गई तो आपका एतबार नहीं रहा। दुनिया में बहुत बड़े बड़े कारोबार होते हैं जो जुबानी हो जाते हैं, लेकिन आपने तो तहरीरी बात का भी पास नहीं रखा, जिसकी वजह से आने वाली हुकूमत फंस गई। और ये बात इनको पता थी इमरान खान साहब को, क्या मैं नहीं बच रहा, क्योंकि पहले तो वो कहते थे ना 7 मार्च को वो लेटर आया और 8 मार्च को इस्लामाबाद पहुंच गया और हमने देखा, और अब वो एक साल पे ले गए उस खत को, उस बात को कह दी एक साल पहले मेरी हुकूमत के खिलाफ साजिश शुरू हो गई थी। उन्होंने साजिश के जो पहले वो मीर जाफर सादिक कह रहे थे, अब उनको डायरेक्ट बताना शुरू कर दिया कि आप लोगों ने किया और यहाँ पे इन सियासी जमातों के साथ मिलकर किया। बिल्कुल ठीक है, सियासत में अपोजिशन ने वो किया जो इमरान खान साहब हुकूमत में उनके साथ कर रहे थे, धोबी पटड़ा, कि इनमें से कोई बाहर ना रहे और सारे अंदर हो जाए। उनको अपना ये नजर आ रहा था कि जब अगर बिल्कुल यकतरफा इत्तेसाब का निजाम चल रहा है जिसमें कहीं से नहीं हो रही, तो उन्होंने ब्रेक लगाई और अदम एतमाद लाके अपने गले में ये अजाब ले लिया जो आज उनको भुगतना पड़ रहा है। आमिर साहब, ये तो आपने कह दिया इमरान खान साहब का, आपने कहा ठीक है। अब ये जो इन्होंने महंगाई के खिलाफ एहतजाज का ऐलान किया है 2 जुलाई को, वो कह रहे हैं जिस इस्लामाबाद के परेड ग्राउंड में लोग आए, आपको लगता है कि ये जो IMF की शराइत की खिलाफ वर्जी करना हो और जो मईशत को अभी हम तमाम तर सिचुएशन में हम खुद को देख रहे हैं, इसके बाद ये एहतजाज जस्टिफाइड है? क्योंकि हर हुकूमत आती है वो पिछली हुकूमत पर इल्ज़ाम लगाती है। अब नून लीग कह रही है कि इमरान खान साहब के गलत फैसलों की वजह से हुआ, कभी वो कहते हैं कभी वो मुकर जाते हैं, ये भी एक अलग मामला है। लेकिन स्टिल आपको क्या लगता है कि जो अब एहतजाज किया जा रहा है, क्या ये जस्टिफाइड होगा? आप जस्टिफिकेशन पे जाएंगे तो फिर तो बहुत सवाल होंगे, यहाँ पे पूछता कौन है? वो वजीर आजम पे जस्टिफिकेशन नहीं मानते थे कि मैं जेल से निकाल के एयर कंडीशन दिखाऊंगा, मैं ये अमेरिका जाके वो कह रहे थे नवाज शरीफ के बारे में, और फिर अमेरिका के नवाज शरीफ को लंदन भेज दिया, मतलब कोई बात है तो नहीं ना। अब वो कहेंगे मुझे तो नहीं पता था, वो हुक्मरानी किसी और की थी, फला था क्या था, भाई आप ही दावे करते थे आपके साथ आपके दस्तखतों से काबीना ने सारे फैसले किए, नवाज शरीफ को बाहर भेजा। अब ये इस चक्कर में ना रहे कि जी वो जस्टिफाई है या नहीं है, वो अपोजिशन लीडर है, उन्हें लोगों के जज्बात के साथ खेलना है, खेलना आता है। वही लोग जो बहुत तंग थे महंगाई के हाथों, वही उनके उस अमरीकी चूरन में आ गए। बिल्कुल ये लोगों की राय है कि वो अपना लीडर किसे बनाते हैं, किसके साथ चलते हैं, इस पर किसी मतलब। जो कि आपने अंडे टमाटर की बात की, तो इमरान खान साहब कह दिया था ना कि वो अंडे टमाटर की कीमत पूछने नहीं आए, लेकिन ये जो पूछने आए थे ये क्या कर रहे हैं? ये जिन्होंने अपने कपड़े बेचकर आटा आवाम का सस्ता करना था, ये जिन्होंने यकम जून से मुकम्मल लोड शेडिंग खत्म करने का वादा किया था, ये जिन्होंने आते ही कहा था कि तनख्वाहें घटेंगी नहीं बढ़ेंगी और टैक्स तो बिल्कुल नहीं लगेगा, पहले नहीं लगाया फिर लगा दिया, ये जो इन्होंने वादे किए थे इनका क्या करना है जी? ये तो ऐसा लगता है कि वो जो एक बहुत अच्छी एडमिनिस्ट्रेशन है, अब तो लोग ये कहना शुरू हो गए कि अगर यही अच्छी एडमिनिस्ट्रेशन है, अगर यही शहबाज स्पीड है, तो फिर इमरान खान साहब चल रहे थे, उन्हीं को चलने देते। देखिए बात बिल्कुल सही है कि शहबाज शरीफ ने दावे भी किए, कोशिश भी की, और उसकी वजह से इनको बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पे निशाना भी तनकीद का बनाया जा रहा है। बिल्कुल ठीक है कि हुक्मरान जवाब जो मर्जी दे, लोगों को अपनी जेब में दाल रोटी चाहिए है, पैसे चाहिए, बच्चों की तालीम और सेहत चाहिए, जो कि इस वक्त बहुत मुश्किल हो गई है किसी का जिंदगी गुजारने का, ऊपर से लोड शेडिंग बढ़ गई है। लेकिन हकीकत को भी हमें यह देखना होगा, साथ ही जब मैं और आप तंग हो रहे हैं तनख्वाहों की, बात यह है कि सिर्फ 12 लाख तक, जो यानी 1 लाख रुपया महीना कमा रहा ना, वहां तक तो इस गवर्नमेंट ने बचत दी है, क्योंकि पहले आज जो 30 जून तक टैक्स दे रहे हैं ना, वो उसका आधा होगा, यानी 2.5%। पहले हम 6 लाख से 12 लाख पे दे रहे थे 5%, उसके ऊपर जितने बंदे पैसे कमा रहे हैं वो सब ज्यादा टैक्स में आ गए हैं, क्योंकि इन्होंने कम किया था, मिफ्ता इस्माइल ने जो PM आखिरी था उसमें भी ये टैक्स कम करके गए थे, अब भी इन्होंने किया, लेकिन IMF ने आगे से बिल्कुल इनको किसी किस्म का, जो मैंने पहले स्टार्ट में कहा, जवाब और रास्ता नहीं दिया कि नहीं आप लोगों को हम किसी किस्म का रिलीफ इसलिए नहीं दे सकते क्योंकि हम
ने हुकूमत पाकिस्तान के साथ मुआहदा किया था, इमरान खान थे या नहीं थे, आप हैं या नहीं है, आप लोगों ने वफा नहीं की अपने अपने अहद से, लिहाजा अब आप सारी वो शर्तें मानेंगे जिससे हमारे पैसे हमें वसूली की, क्योंकि वो पाकिस्तान की इकोनॉमी के नाम पे जाहिर है जो कर्जा दे रहा है उसे अपना इंटरेस्ट भी वापस चाहिए, उसे अपना असल दर भी चाहिए। तो बातों से तो नहीं होता ना, क्योंकि इमरान खान तो बेशक कहते हैं कि ये अमेरिकन साजिश थी और अमेरिकन अच्छी साजिश थी कि जिन लोगों को अमेरिकन साजिश के तहत लाया गया वो ना अमरीका के रहे ना यहाँ पे रहे और वो फंस गए हर तरफ से, तो ये बिल्कुल जस्टिफिकेशन किसी किस्म की नहीं है। लेकिन वो कोशिश कर रहे हैं कि अगर आप पाकिस्तान को आमिर इलियास राणा साहब ये भी सोच रहा हूँ कि जब इमरान खान वजीर आजम थे तो वो कहते थे मेरा इस तनख्वाह में गुजारा नहीं होता, अब तो वजीर आजम भी नहीं है और इस्तीफा भी दे बैठे हैं, अब कैसे गुजारा करते होंगे इमरान खान साहब? वो गुजारे की घड़ियों की कहानियां बेशुमार हैं, बहुत ज्यादा एटीएम्स की कहानियां हैं, वो आपको और हमें पता है। बात यह है कि जब आप या तो मुल्क को जिस तरह इमरान खान साहब ने जाते हुए काम किया कि मैं नहीं रहूंगा रोक दिया, तो आप या तो मुल्क को श्रीलंका बना ले कि जहां पे आज पेट्रोल नहीं है प्राइवेट गाड़ियों के लिए, सरकारी ऑफिस में नहीं जा सकती कि घरों से बैठ के काम करें, अगर तो हम अपने मुल्क के साथ वो करना चाहते फिर तो ये भी शहबाज शरीफ भी कुछ ऐसा दो चार महीने खेच सकते थे। लेकिन अब बात ये थी कि आपका मुल्क बचेगा तो आप किसी के साथ बात करेंगे ना, रशिया आपके सामने है कि जब वो अफगानिस्तान की जंग में गया तो उसके अपने कई मुल्क बन गए एक मुल्क से, यूएसएसआर खत्म हो गया जी। और ये तो हमने कुछ मुआशी चैलेंजेस की बात कर ली जी, मैं जरा एक थोड़ा सियासी पहलू पे भी आपकी राय लेना चाह रहा हूँ कि शहबाज साहब का ये जो सियासी फैसला था, क्योंकि अब इसकी भी क्या कहना चाहिए कॉन्सिक्वेंसेस सामने आना शुरू हो गए हैं। आपने परसों जो एमकेएम की लीडरशिप थी फ्लोर ऑफ द हाउस पे उनके तहफ़ुज़ात आप सुने, वॉकआउट करके चले गए वो, जो फिर इसके साथ साथ JUI ने ये जो शरिया कोर्ट की जानब से फैसला आया था इसके ऊपर उन्होंने बड़ा क्लियर स्टैंड लिया कि जी हम एक मिनट नहीं लगाएंगे आपको छोड़ जाएंगे अगर हुकूमत ने कोई इस तरह का अमल किया। कहने का मतलब ये है कि अब पोलिटिकल फ्रंट के ऊपर भी हुकूमत को बड़े सीरियस किस्म के चैलेंजेस का सामना है और अभी पूरा एक साल पड़ा है इन्हीं चैलेंजेस के साथ, तो सियासी तौर पर वो फैसला आपको लगता है शहबाज शरीफ साहब का दुरुस्त था और निभा पाएंगे अगले 12 महीने उस फैसले को ले पाएंगे इंतखाबात तक? पहली बात, इमरान खान कहते थे मैं किसी के साथ इत्तेहादी हुकूमत नहीं बनाऊंगा और फिर सारी इत्तेहादी जमातें जो इस वक्त शहबाज शरीफ के गले आई हुई हैं ये सारे उनके इत्तेहादी थे हुकूमत, और ये जो आप अब शहबाज शरीफ, ये अकेले शहबाज शरीफ का फैसला नहीं था, इसको लीड कौन कर रहा है? आसिफ अली जरदारी, के ये मेरा काम है। दावा किसने किया कि ये साजिश किसी की नहीं अमेरिका की नहीं, मेरी है, मौलाना फजलुर रहमान ने कहा। अच्छा, ये सारे जो बयानात है ना ये सब सियासी तौर पे हमेशा बजट के मौके पे भी आते हैं, जब कोई सिचुएशन बनेगी ये सारे लोगों को दिखाने के लिए कि देखे हमने कितना स्टैंड लिया है। नेशनल बैंक हो गई है कि सूद के ऊपर जो सरकारी बैंक है वो अपनी अपील वापस ले ले, वो वापस हो जाएगी, उनका काम मौलाना फजलुर रहमान का भी बन गया। JUI और MQM का जो दूसरा काम है वो पीपल्स पार्टी ने जो भी पटड़ा उनके साथ किया है ना बल्दियाती इलेक्शन में, और ये होगा, ये होता आया कि सब अपने अपनी जो, ये तो नहीं है ना कि मौलाना फजलुर रहमान और MQM के साथ इत्तेहादी बन के पीपल्स पार्टी अपनी अंदरूनी से इनकी विकेट खो दे और रास्ता दे दे कि नहीं 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 आप हमारे साथ बैठे हुए इकतदार में तो ये जो हमारी जगह थी ये भी हम आपको दे दें, ये नहीं होता, ये आप और हम ये इसी तरह चलेंगे, ये सारे इकट्ठे हो के मिल के आए हैं। ये इस तरह नहीं हुआ कि शहबाज शरीफ दर दर पे गया हो कि नहीं खुदा के वास्ते मुझे वज़ीर आज़म बना दो, ये सब एक दूसरे के दर्द के साथ इकट्ठे हुए, जो मैंने आपसे कहा था कि या तो ये सारे जेल में होते क्योंकि इमरान खान मैंने इनको पता था फौरन दस्तगीर बोल चुके, मैं तो अपने पर्स में ये बात काफी अरसा पहले कह चुका था उनके बयान से भी पहले कि इनको नवंबर नजर आ रहा था जो एक अपॉइंटमेंट होनी थी कि जी उसके बाद हमारा अगला इलेक्शन से पहले हम सारे जेलों में होंगे, एक तरफा एहतसाब का हम निशाना पहले ही है, तो फिर वो अगले 5 साल भी जाएंगे। अब ये जो अच्छा आमिर साहब इस हवाले से हम और भी बात करते हैं, हमें एक ब्रेक लेनी है, हम ब्रेक के बाद वापस आएंगे। आमिर इलियास हमारे साथ मौजूद, बहुत शुक्रिया आपका आमिर साहब हमारे साथ मौजूद थे, अभी हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर हो। लबैक اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك। हाजिर हूँ ऐ अल्लाह, मैं हाजिर हूँ, तेरा कोई शरीक नहीं, तेरे लिए सब तारीफें हैं, नेमतें और बादशाहत सिर्फ तेरी है, तेरा कोई शरीक नहीं, हाजिर हूँ मेरे अल्लाह, मैं हाजिर हूँ। दुनिया भर में हर किसी मुसलमान की ये ख्वाहिश होती है कि वो फरीज़ा हज अदा करे और
इसके लिए सारी ज़िंदगी लोग कोशिश करते हैं, प्लान करते हैं, मेहनत करते हैं और ये फरीज़ा अदा करते हैं। गुज़श्ता अगर हम 2 सालों की बात करें तो इसमें कोरोना वबा की वजह से हज सिर्फ सऊदी अरब के वासियों के लिए ही मुमकिन था, मगर अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र है कि इस साल कोरोना वबा काबू में है और दुनिया भर से जो मुसलमान हैं वो फरीज़ा हज अदा करने पहुँचे हैं। पाकिस्तान से भी जो हज परवाज़ें हैं इनका सिलसिला जारी है और गुज़श्ते सालों की तरह इस साल भी हुकूमत पाकिस्तान का ये कहना है कि हाजियों के लिए बेहतरीन इंतजाम किए गए हैं। वैसे तो 2019 में हज 5 लाख पाकिस्तानी रुपए में होता था, लेकिन अब इसकी कीमत तकरीबन दुगनी हो गई है, 8 लाख रुपए हो गई है। और इस हवाले से भी बात करेंगे और कितने हजाज कराम पाकिस्तान से सऊदी अरब हज के लिए जाएंगे, जिनमें सरकारी कोटे पर और प्राइवेट कोटे की तादाद क्या है और आखिरी फ्लाइट कब पाकिस्तान से रवाना होगी, इसी हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ इब्राहिम मिर्ज़ा साहब हैं, डायरेक्टर जनरल हज ऑपरेशन, उनको हम खुशामदीद कहेंगे। बहुत शुक्रिया सर आपने हमें ज्वाइन किया। सर सबसे पहले तो कोविड के बाद ऑब्वियसली ये पहला हज होने जा रहा है, पाकिस्तानी हजाज के लिए क्या इकदाम किए गए हैं और जो हम अगर कहें कि पिछले गुज़िश्ता सालों में नहीं हो सके, इस बार क्या खास इकदाम है हजाज के लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं सबसे पहले आपका जो इशू है कोविड से रिलेटेड उसके बारे में रिस्पॉन्ड करूँगा। इस तरह पाकिस्तान गवर्नमेंट और सऊदी गवर्नमेंट ने मिल के एक कॉरिडोर क्रिएट किया है जिसमें सिर्फ वो लोग आ सकते हैं जिनका वैक्सीनेशन हुई हुई हो और जिनका PCR टेस्ट हुआ हुआ हो। तो दुनिया से तमाम जो जहाज आ रहे हैं उनका PCR टेस्टेड है और वो कोविड वैक्सीनेटेड है, तो वो जब इस कॉरिडोर में एंटर होते हैं तो इस चीज़ की सिक्योरिटी है कि किसी कोई आदमी जो है वो कोविड अफेक्टेड नहीं है। नतीजतन अभी तकरीबन जो है वो 25 दिन गुजर चुके हैं और अभी तक हमें किसी किस्म के कोविड के केसेस सामने नहीं आए। जहाँ तक तादाद का ताल्लुक है, इस साल टोटल तादाद जो है वो 83,000 कुछ अदद इसके साथ हैं और उसमें से 34,453 जो है वो सरकारी हज स्कीम में, जबकि तकरीबन 49,000 जो है वो प्राइवेट स्कीम के तहत चल रहे हैं। तीसरा जो एस्पेक्ट आप बता रहे थे कि इंतजाम के हवाले से, इस दफ़ा चूँकि डिमांड एंड सप्लाई में मार्केट जो है वो हमें फेवर कर रही थी तो हमने उसको पूरी तरह कैपिटलाइज किया है और ये तकरीबन 11 साल बाद बहुत सारी चीज़ें जो हम माइलस्टोन समझते हैं इस दफ़ा हमने की हैं। हम 11 साल बाद आरम के करीब जाने में कामयाब हुए हुए हैं और हमारी कोई फैसिलिटी जो है वो 3 स्टार से नीचे नहीं है। अच्छा, ग्रेट। और इसके साथ साथ ये अगेन 11 साल बाद है कि जी अब अमूमन हमारे जहाज की तादाद ज्यादा होने की वजह से और पैकेज थोड़ा सा कम होने की वजह से हमें न्यू मीना में कैंप्स मिलते थे, इस दफा हमारे तमाम कैंप्स जो है वो ओल्ड मीना में है। बाकी आप अपनी भी फीडबैक ले सकते हैं, इस दफा लार्जली जहाज हमसे खुश हैं। ठीक, वो अभी तक जब तक कोई ऐसी खबर अल्हम्दुलिल्लाह नहीं आई तो ये बहुत ही अच्छी बात है। अच्छा, इससे पहले कि मैं मजीद आगे बढ़ूँ, कल एक जो खबर आई चंद हुजाज के इंतकाल के हवाले से, पाकिस्तानियों के हवाले से, इसके बारे में एक तो इत्तलात क्या हैं और इस हवाले से जो भी अपडेट आप हम तक पहुँचाना चाहें। जी, इस वक्त तक जो पाकिस्तानी हुजाज में से तकरीबन 6 हुजाज की डेथ हो गई है। अगर आप माजी को सामने रखें तो इस अमूमन हमारी एवरेज जो है हज से पहले 30 से 40 दरमियान तादाद की डेथ की जो है वो रिपोर्ट होती थी जी। लेकिन इस तरह अल्लाह का करम है कि सिर्फ 6 हुजाज की अभी तक जो है वो, ये अमूमन वो लोग होते हैं जिनको या कोई पहले से क्रॉनिक डिजीज होती है या वो हार्ट अटैक की वजह से या हीट स्ट्रोक की वजह से जो है उनकी डेथ्स होती हैं। ठीक है, इस दफा वो काफी हद तक कंट्रोल्ड है। ठीक है, और इसकी वजह भी तिब्बी ही सामने आई है, ये तिब्बी मौत ही है जो इन हुजाज कराम की हुई है और दूसरा इनका ताल्लुक किन इलाकों से है ये मालूम हो पाया अभी तक? इसमें 3 हुजाज जो बलूचिस्तान से हैं, एक KPK से हैं, 2 पंजाब से। ठीक हो गया, ठीक हो गया सर। ये आखिरी जो फ्लाइट ऑपरेशन है वो कब होगा, जब जो आखिरी फ्लाइट जाएगी उस हवाले से भी बता दीजिएगा और कहाँ पे इनके जो इंतजाम के हवाले से, जिसने कहा कि 3 स्टार से कम इनको जो कह लें इनकी वो सैनिटी नहीं है, सो उस हवाले से भी गाइड कीजिएगा कि क्या क्या बेसिकली वहाँ पे इंतजाम हैं, क्योंकि हमने इस बार देखा था और डिस्कशन भी की थी कि काफ़ी बेहतरीन इंतजाम किए हैं ताकि इस तरह का कोई भी मसला हुजाज कराम को ना हो सके। एक तो जो आपका पहला सवाल है, लास्ट फ्लाइट हमारी 4 से लज्जागवा जो 3rd या 2nd जुलाई बनता है, और जो जहाँ तक ताल्लुक है हमारी इंतजाम का,
मैं अगेन रिपीट करूंगा कि जी इस दफा हमें जो है वो मार्केट में सप्लाई साइड की, जो कि मार्केट नहीं है, तादाद कम है, तो हमें बहुत उसके फेवरेबल सर्कमस्टेंसेस मिले हैं जिसको हमने मैक्सिमम कैपिटलाइज किया है। इस दफा हमारे 70% जहाज यहाँ भी अरब के करीब है और मदीने शरीफ में हम फर्स्ट और सेकेंड रो से पीछे नहीं गए, और हमारी मोस्ट जितनी भी फैसिलिटीज थी उनमें से कोई 3 स्टार से नीचे नहीं थी। इसी तरह जो केटरिंग सर्विसेज हैं वो भी हमारी जितनी मुमकिन हमसे काविश हो सकती है थी, लोएस्ट कॉस्ट पर जो है हम बेस्ट सर्विसेज देने की कोशिश कर रहे हैं। ऑफ कोर्स बीच में जो है ये केस के डिफरेंसेस की वजह से कोई कोई लोग बलूचिस्तान से आए हुए हैं, कोई कोयटा से आए हुए हैं, कोई पिशावर से आए हुए हैं, तो टेस्ट के डिफरेंस की वजह से इक्का दुक्का बीच में मसाइल आते रहते हैं, लेकिन हम उनको साथ साथ हल करते हैं। अच्छा अब्रार साहब, चूंकि कोविड भी दोबारा सर उठा रहा है, हमने शुरू में भी इस पर बात की, पाकिस्तान में 4% तक जो टेस्टेड केसेस हैं उनमें से रिपोर्ट्स पहुंच रही हैं, अल्लाह ना करे ऐसी कोई मामलात हरम पाक के अंदर हों और सारे जितने भी हमारे भाई बहनें वहाँ पर मौजूद हैं वो बखैर वाफियत अपने हज के इस फरीजे को अंजाम दें, लेकिन अगर इन केस खुदा ना खास्ता, देर शुड बी अ प्लान बी, एक होना चाहिए, मिनिस्ट्री के पास प्लान बी क्या है इन केस अगर कोई ऐसी हंगामी सूरत हाल अल्लाह ना करे वंस अगेन खाक में बदन हो, तो आपके पास प्लान क्या है इसको लेकर, या आपकी क्या बात हुई है सऊदी मिनिस्ट्री से? जी, इसमें दोनों साइड पे सऊदी अथॉरिटीज में भी और हमने मिल के जो है वो इसका प्लान बी भी डिवाइस किया हुआ है जी, और उसमें प्लान ए में हम मैक्सिमम सैनिटाइजेशन, मास्क और आपकी जो सर्विसेज की जो नज़ाफत है उसमें कोशिश कर रहे हैं, और सऊदी अथॉरिटीज पे भी इस पर सख्ती से अमल दरामद कराने की कोशिश कर रही हैं। दूसरी सूरत में जो है ये 3 टीयर्स हमारा सिस्टम है, हम लोकल डिस्पेंसरीज में हमने जो हर बिल्डिंग में मौजूद है उसमें हमारे आइसोलेशन सेंटर्स हैं, फिर उसके आगे हमारे अपने हॉस्पिटल्स हैं जो पाकिस्तान गवर्नमेंट ने एस्टेब्लिश किए हुए हैं, उनमें भी हमने आगे जो आइसोलेशन रूम और इक्विपमेंट और गैजेटरी जो है वो उसमें अवेलेबल है। थर्ड टीयर में जो टर्शरी केयर है वो सऊदी अथॉरिटीज ने अपने हॉस्पिटल्स को भी तमाम हजाज के लिए ओपन किया हुआ है कि अगर एक सर्टन लेवल से आपको ये फील हो कि जी हम ट्रीट नहीं कर सकते तो हम अपने हॉस्पिटल्स को भी, इसके ऊपर हमने एक लास्ट कवर भी दिया हुआ है कि एवरी हाजी इज एवरी पिलग्रम इज इंश्योर्ड। अच्छा ये अच्छा इकदाम है, अल्लाह ना करे ऐसा कोई वाकया हो, लेकिन प्लान होना जरूरी है। और इन दी एंड हमने देखा कि कभी कभार खुदा ना खास्ता नाखुशगवार वाकया मीना के हवाले से आपने कहा, क्योंकि पुराने मीना के अंदर खेमा बस्ती आबाद होती है, तो खेमे में लोग सिलेंडर्स वगैरह इस्तेमाल करते हैं और कपड़े का वहाँ पर टेंट्स का ज़्यादा इस्तेमाल होता है, तो आग वगैरह के भी कुछ नाखुशगवार वाकये पिछले कुछ सालों में हमने देखा, कभी कभार रिपोर्ट हो जाते हैं। इसके लिए क्या हमारे जितने भी पिलग्रिम्स हैं, जितने भी हुजाजे कराम हैं, उनको प्रॉपरली ट्रेन किया गया है, और इस हवाले से हमारे इंतजाम हैं वहाँ पर पाकिस्तानी हाजियों के लिए? जी अगेन, इसमें अगेन हमने सऊदी अथॉरिटीज़ के साथ मिलकर कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग की हुई है, हमने अपने हुजाज की भी रीब्रीफिंग शुरू की हुई है, और उनके जाने से पहले जो है उनको मुकम्मल आगाही का एक निज़ाम भी मुतय्यन किया हुआ है। ठीक है, उसके साथ साथ मीना में जो एंट्री है उस एंट्री में आपका तमाम जो सामान है उसको चेक करके भिजवाएंगे, और मीना में किसी किस्म का जो है वो आग का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। ओके ओके ओके, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अब्रार मिर्ज़ा। सारे वो सवाल हैं जो कुछ बहुत ज़रूरी होंगे, कुछ थोड़े कम ज़रूरी होंगे, लेकिन हमने कहा कि हम ज़रा डायरेक्टर हज हैं अब्रार मिर्ज़ा साहब, उनसे पूछ लें, आपके सामने हमने रखा। वंस अगेन इस दुआ के साथ कि जितने भी लोग इस वक्त इस मुकद्दस फरीजे की अंजामदेही के लिए, जिनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने, अल्लाह के रसूल ने अपने घर बुलाया है, उनकी हाज़िरी कबूल हो, और इनके सदके हमारे मुल्क की मुश्किलात जो हैं वो भी कम हो, इस पर हम बात करते रहेंगे अगले दिनों में भी। फिर लोग तो ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो, ब्रेक के बाद हाजिर हो चुके हैं जनाब, और अब बात करेंगे कुछ मौसम के हवाले से। तो शदीद गर्मी और हब्स के सताए शहरियों की अच्छी खबर यह है वो खबर यह है कि महकमे मौसमियात के मुताबिक आज से मानसून बारिशों होने का इम्कान है, और ये जो मानसून बारिशें होंगी ये महकमा मौसमियात के मुताबिक बहरे अरब और खलीजी ममालिक से मरतूब हवाएँ गुज़िश्ता रोज़ बलाई इलाकों में दाखिल हुई, जो मुल्क के जनूबी इलाकों में रवा हफ्ते ज़्यादा शिद्दत से फैल सकती हैं, और आज जून से जो कह लें 4 जुलाई के दौरान इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, गुजरावाला, सियालकोट, फैसलाबाद में मौसलाधार बारिश, जबकि नशेबी इलाके ज़ेरे आब आने का भी खतरा है। और मैं पता क्यों मुस्कुरा रहा हूँ कि जब जब भी नाज़रीन अरमला हसन ने खबर दी ना बारिशों की, नहीं आज अब कल हम इस पे बात करेंगे, आपने याद कराना है हमें। 3 से 5 जुलाई के दौरान जैसे चले इन पे नहीं डालते, हमारे साथ सरदार सरफराज साहब मौजूद, उनसे हम पूछ लेते हैं। 2 से 4 जुलाई के दौरान इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, गुजरावाला, सियालकोट, फैसलाबाद में भी बारिश की पेशगोई है,
सरदार साहब से पूछते हैं। सरदार साहब, ये जो अरला हसन ने पेशगोई बताई है, मैंने नहीं कि आप इसकी जिम्मेदारी ले लें सरदार साहब। किस हद तक आप इससे मुत्तफिक हैं? क्या ये बारिशें होने जा रही हैं और इतनी ही तेज हैं जितनी खबरें हम तक पहुंच रही हैं? सरदार साहब जी, बहुत शुक्रिया जी। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है जी, इम्कान तेज़ बारिशों का ये है। वो जो उन्होंने खलीजी ममालिक का वो इनकी करेक्शन कर दो, खलीजी बंगाल से वहाँ आ रही है। बंगाल से आ रही है, ओके ओके। खलीजी ममालिक तो हमारे वेस्ट में पड़ते हैं, तो ये अरेबियन सी से भी मॉइस्चर सपोर्ट मिलना शुरू हो जाएगी सिस्टम को जो, और दूसरी तरफ खलीजी बंगाल से हवाएं जो आ रही हैं इस वक्त सेंट्रल इंडिया पे, समझ लें आप, जो लो प्रेशर एरिया है बाकायदा वो मौजूद है, और उसके नतीजे में मानसून हवाएं मुल्क के भलाई इलाकों में आज से दाखिल होना शुरू हो जाएंगी। इम्कान ये है कि आपके लाहौर और गिलगित नवाब में आज शाम या आज रात में पहली बारिश दोबारा से मानसून की हो जाएगी। अच्छा। और फिर वो अच्छा। जी वो सिलसिला फैलते फैलते फिर कल यानी नीचे जो साईवाल उकाड़ा ये जो इलाके हैं वहाँ पर हो सकती है, फिर ग्रेजुअली फैलते फैलते ये सिंध पे तो ज्यादा शिद्दत, क्योंकि फिर उस पूरे जो कोर लो प्रेशर एरिया की होगी उसका ज्यादा रुख सिंध की तरफ ही दिखाई देता है। अच्छा। तो सिंध में ज्यादा तेज बारिशें हैं जी। तो सरदार साहब, ये मुकम्मल स्पेल तकरीबन कितने दिनों पे मुहित है, ये वाला जो स्पेल है? इसमें जी मुख्तलिफ एरियाज के लिए मुख्तलिफ है, जाहिर है कि इस्लामाबाद और उससे जो ऊपर के इलाके हैं खत्ता कोटफार हो गया, के पी कुछ इलाके हो गए, इस तरह आपका सेंट्रल पंजाब हो गया, वहाँ पर एक से लेके पाँच तक ये सिलसिला रहेगा, चार या पाँच तक। अच्छा। और नीचे सिंध में आप कह लें कि दो से ज्यादा शिद्दत के साथ दो से शुरू होगा, वैसे तो पहली को भी कुछ हो सकती है। तो मेट डिपार्टमेंट के साथ कोऑर्डिनेशन हो गई है एनडीएमए दीगर महकमों की, चूंकि इसमें कुछ अर्बन फ्लडिंग के भी चांसेस हैं, और माशाल्लाह कराची में तो 10 मिनट बारिश पड़ जाए तो अर्बन फ्लडिंग हो ही जाती है क्योंकि सिस्टम ही नहीं है, और लाहौर के भी कुछ इलाके ऐसे ही हैं, तो आपकी कोई कोऑर्डिनेशन हुई है इस हवाले से? जी बिल्कुल हुई है, जैसे ही देखिए हम जो परसों इशू की थी, ये एडवाइजरी मेरे ख्याल में परसों या तरसों इशू की थी इस्लामाबाद ऑफिस ने, जिसमें पूरे मुल्क को तरह से उन्होंने, फिर कल हमने सिंध के लिए अलग से भी की थी, तो जैसे इशू होती है तो फौरन सबसे पहले एनडीएमए और प्रोविंशियल लेवल पे पीडीएमए को जाती है, और वो फिर आगे ने जो मुतल्लिका इदारे हैं उन सबको कर देते हैं अलर्ट, तो होपफुली कि तेजी कर ली होगी। ठीक, बिल्कुल ठीक हो गया। थैंक यू वेरी मच सरदार साहब, बहुत शुक्रिया कि आप मौसम के हवाले से हमें बता रहे थे। मेरे मुताबिक और महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिशें हो रही हैं। अब दोनों कसूरवार होंगे अगर ना हुई। दिस इज ऑन अ लाइटर नोट, अल्लाह करे बारिश हो जाए, और उम्मीद की जा रही है जैसे महकमा मौसमियात ने कहा, ये तो एक प्रेडिक्शन है, इंसान अपनी कैलकुलेशन पर जा सकता है, बाकी तो अल्लाह पाक की मर्जी है, वो अभी चाहे अभी हो जाए और कभी ना चाहे तो कभी ना हो। ब्रेक लेनी? बिल्कुल ब्रेक। एक्सप्रेसो शो के दूसरे हिस्से में आपको खुशामदीद करेंगे। सेगमेंट पर जाने से पहले कुछ कोविड के हवाले से बात करेंगे। तो कोविड के वार जारी हैं, 24 घंटों में मजीद दो मरीज इंतकाल कर गए हैं। एनआईएच के मुताबिक एक दिन में कोविड के 641 नए मरीज रिपोर्ट हुए हैं, जबकि 24 घंटों में अगर बात की जाए तो पॉजिटिव केसों की शरह वो 3.41% रिकॉर्ड की गई है, जबकि कोविड के 119 मरीजों की हालत भी तशवीशनाक बताई जा रही है। बिल्कुल, और हिदायत जारी की गई हैं, मुख्तलिफ फ्लाइट्स के अंदर मास्क को लाजमी करार दिया गया है, इसके अलावा हुकूमत ने एनसीओसी को मुकम्मल तौर पर फाल कर दिया है, प्राइम मिनिस्टर ने खुद भी अपील की है कि इस हवाले से एहतियात बहुत ज़रूरी है, वो सब लोग जिन्होंने वैक्सीनेशन नहीं करवाई वो वैक्सीनेशन करवाएँ, और जिनकी वैक्सीन को लगे 6 माह या उससे ज़्यादा हो चुके हैं वो बूस्टर शॉट ज़रूर लगवाएँ, ताकि इसका जो ख़तरा है या जिसका इम्कान है उसको कम से कम किया जा सके। इस हवाले से जो लोग मार्केट्स के अंदर खासतौर पर पब्लिक इंटरेक्शन इनका ज़्यादा है, उनके लिए भी ये बहुत लाजमी है कि वो भी कम अज़ कम सोशल डिस्टेंसिंग को जो मुमकिन हद तक है उसको ज़रूर अपनाएं, चूँकि हम ये जानते हैं कि हम कोविड से गुजर चुके हैं, हमें ये भी मालूम है कि बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि अब शायद उनको कोविड नहीं होगा, एक बार हो चुका है, लेकिन अगर आप इस चीज़ को बुनियाद बनाएंगे तो खुदा न खास्ता इसका नुकसान भी हो सकता है। तो आप अपने तौर पर एहतियात करें, अल्लाह ना करे कोविड ज़्यादा फैले, लेकिन अभी जो रेशो जारी है उस हिसाब से बाहर ये लग रहा है कि कोविड फैल रहा है, तो पहले ही एहतियाती दोबारा से सर उठा रहे हैं, और चूँकि गर्मी भी है, बहुत सारे लोग वैसे ही इम्यूनिटी हमारी इतनी अच्छी कोई नहीं रही पिछले कुछ अरसे में, हमने जब ये कोविड की 5 वेव हमने बाद भी आपकी इम्यूनिटी पर इम्पैक्ट तो आता है, आपकी बॉडी में भी आता है। मैं तो हमेशा अपनी मिसाल इसलिए देता हूँ क्योंकि इट्स बिन मोर देन अ ईयर कि जब मुझे कम से कम कोविड हुआ था, अर्मला को भी हुआ था, और उसके बाद मैंने बाकायदा तौर पे फील किया है कि आपकी जो इम्यूनिटी है इंटरनली आप वीक होते हैं, यू स्टार्ट फीलिंग वीक, यस, और आप उस तरीके से मुकाबला नहीं कर सकते बीमारी का, आपकी नींद, आपके स्लीपिंग पैटर्न, आपकी चीजें डिस्टर्ब हो जाती हैं, तो बेहतर यह है कि आप एहतियात कर लें, सबसे बेहतर है और वैक्सीन लगवा लें ताकि सारी फटीक से आप बची जाएं। अब हम थोड़ी सी टेंशन देने के बाद आपको थोड़ा रिलैक्स करना है, करें और हाँ कर लें सफर। सफर शर्त की जानिब हम चलते हैं, वकार अहमद मलिक साहब हमें गिजर में गिलमित वादी की सैर करा रहे हैं, वहाँ पे एक वाटरफॉल है बड़ी जबरदस्त किस्म की, सो देखते हैं कि वो कैसी है और मजीद क्या है गिजर के लिए सफर शर्त में आपके लिए।
अस्सलाम वालेकुम, ये इस वक्त हम हैं गाकूच में और सफर शर्त का जो सीरीज है गेजर पे, ब्यूटीफुल गेजर, वो जारी है। आज जो मेरा प्रोग्राम है वो ये है कि गुलमिति इतना खूबसूरत एक टाउन है, बिल्कुल मेन रोड के ऊपर है और गाकूच से सिर्फ 15 मिनट पहले आ जाता है गुलमिति नाला जो है वो सबसे बड़ी निशानी है। और इसके किनारे में बड़े खूबसूरत एक रेस्टोरेंट है जहाँ पे बहुत अच्छे खाने हैं और मतलब एक कमाल टाइम आप गुजार सकते हैं। सबसे ज़्यादा मुतासर कौन जो है वो यहाँ के फूल हैं जो कि बहुत ज़्यादा तादाद में हैं। और इसके अलावा जहाँ से मुझे मालूम हुआ है कि आगे एक बहुत ही खूबसूरत वाटरफॉल है। मैंने आपको जिस तरह पहले अर्ज़ किया है कि सफ़र शर्त की ये खसूसियत भी है और मैं ज़ाती तौर पर ये चाहता हूँ कि हम सब बिल्कुल इसी तरह हों कि बजाय इसके कि हम कोई लैंडमार्क्स की तलाश में निकलें और जो लोग हमें कहें कि वो जगह बहुत अच्छी है या फलां वाली जगह, वो ठीक है वो सब देख लें, लेकिन अपने लैंडमार्क्स पैदा कीजिए। और बात ये है कि ख़ास आदमी की निशानी ये होती है कि वो आम चीज़ों में से खसूसियत और खूबसूरती जो है वो निकाल लेता है। तो बात यह है, कहने का मतलब ये है कि बहुत सी जगह ऐसी होती हैं, बहुत से लैंडमार्क्स ऐसे होते हैं जो कि उनको पज़ीराई हासिल नहीं हुई, लोगों ने उनको सर्टिफिकेट नहीं दिया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो हो सकता है कि जिनको सर्टिफिकेट मिला उससे कहीं ज़्यादा खूबसूरत हों। तो कहने का मतलब ये है कि आप ज़रूर ऐसी जगह तलाश किया करें, उनको अप्रिशिएट किया करें। और आज एक ऐसी ही जगह की तलाश में हम जा रहे हैं जिसको गुलमिति वाटरफॉल कहते हैं। अब आपने मुझे बताना है वो वाटरफॉल देखने के बाद और उसकी जानब जो ट्रैक जाता है वो देखने के बाद कि ये तो इसका तो कहीं नाम निशान नहीं है तो क्यों नहीं है, जबकि ये जगह वो मतलब उसकी इतनी मैंने तारीफ सुनी है। तो यार देखते हैं एक ऐसी जगह जो कि जिसको सर्टिफिकेट्स हासिल नहीं है लेकिन ये कैसा लैंडमार्क है और ये कैसी खूबसूरत जगह है, ये जाके देखते हैं। मैं ट्रैक स्टार्ट करने लगा हूँ, आइए मेरे साथ गुलमिति वाटरफॉल की जानिब। ये है कि जो गुलमिति वाटर फॉल का ये जो ट्रैक है सो ब्यूटीफुल वंडरफुल, दोनों साइडों पे बहार लगी हुई है। एक साइड पे जो है वो गुलमिति नाला बहता रहता है और दूसरी साइड पे लाइट एंड शेड्स ग्रीन, बहुत ही ग्रीन है, लश ग्रीन है, आपके साथ खेत और दरख्त चलते रहते हैं और उस इसकी जो खूबसूरती है ये अपनी जगह पे है। दूसरी साइड पे जो है वो आपका गुलमिति जो नाला है वो है और यूँ आपका सफ़र कटता है। तो सफ़र है कितना, टोटल 10 से 15 मिनट है। मज़े की बात यह है कि इसको आप फैमिली ट्रैक कह सकते हैं, इन्हें आप बच्चों को लेकर गिलगित बल्तिस्तान में ओवरऑल ऐसा ट्रैक होता नहीं है कि इस तरह से एक हाईवे जा रही हो। तो ये इस हवाले से बहुत खूबसूरत है कि आप अपने बच्चों को भी लेके आ सकते हैं, फैमिली को लेके आ सकते हैं। वाह, मैंने सुना है कि वो जो वाटरफॉल है वो बड़ी कमाल जगह है, यानी बहुत ही खूबसूरत फॉल है, काफ़ी बुलंदी से गिरती है और वो बहुत ज़बरदस्त जगह है। तो अपना सफ़र जो है वो कंटिन्यू रखते हैं वाटरफॉल की जगह। वाटरफॉल जो है उसकी जानिब सफ़र जारी है और इस सफ़र में बड़ी खूबसूरत चीज़ें आपको नज़र आती हैं, क्योंकि जो जितनी भी लाइफ है, जितने भी लोग हैं, वो अपनी रवायती उसी तरीके से काम काज में मसरूफ और रास्ते में आप गपशप करते हुए जाते हैं। कुछ लोग मुझे अभी मिले हैं जो कि ये एक वाटर चैनल को दुरुस्त कर रहे थे, वो लोग आप देख रहे हैं कितने खूबसूरत हैं, कितने अच्छे हैं, इनके साथ आप गपशप कर सकते हैं और इसी तरह आप अपना सफ़र जो है वो जारी रखते हैं। बहुत ही आसान सा ट्रैक है ये, बहुत ही जिसको कहते हैं कि एक तो टोटल दरख्त हैं, ग्रीनरी है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत ज़्यादा कुछ धूप का सामना हो या कुछ रगेड माउंटेंस के ऊपर आपको चलना पड़े। ये टोटल जो है ग्रीन है और पानी जगह जगह बह रहे हैं और जो गुलमिति नाला है वो आपका हम सफ़र रहता है इसके साथ साथ।
सफर शर्त की ये जो किस्त आपने देखी है, जिसमें आपने गुलमिती वाटरफॉल देखी है, और ये काकूच से हार्डली 15 मिनट पहले, यानी 6-7 किलोमीटर होगा, और यहाँ पे है गुलमिती टाउन है, यहीं से ये ट्रैक जाता है। खूबसूरत ट्रैक है और इसको बिल्कुल मिस ना कीजिएगा। और आखिर पे गुजारिश है कि जो आम आदमी होता है वो ख़ास जगहों पे जाता है, ख़ास जगह जिनको हम लैंडमार्क्स कहते हैं, जो दुनिया ने कही होती है कि ये बहुत खूबसूरत जगह है। ख़ास आदमी आम जगहों में खूबसूरती और ख़ास क्या कहते हैं खसूसियत तलाश करता है, उनको ख़ास उसमें जो ख़ासपन है वो उनमें नज़र आता है। बात ये है कि अपनी जो लैंडमार्क्स हैं वो तलाश कीजिए, अपने लैंडमार्क्स पैदा कीजिए। अगर आप जिंदों में हैं, दुनिया जो कहती है कि फलां जगह जाएं और ये 4-5 चीज़ें हैं, इनको देखने से वो जगह जो है वो कवर हो जाती है, ऐसा नहीं है। इस वाटरफॉल का कहीं कोई जिक्र नहीं है, लेकिन आपने देखा है कि ये जो टोटल 10 से 15 मिनट की वॉक पे गुलमिती से इतनी खूबसूरत जगह है, तो ये किसी लैंडमार्क से कम है, ये ख़ास जगह है। और ख़ास जगह जो है वो तलाश किया कीजिए, देखते रहिए, सफ़र है शर्त। बैक टू एक्सप्रेसो, और अब वक्त हुआ चाहता है एक्सप्रेसो टैलेंट से आपकी मुलाकात का। जैसे कि हमारी कोशिश होती है कि हम आपकी मुलाकात किसी न किसी नए आने वाले फनकार से या पुराने फनकार से भी, जो हमें सुबह सुबह ज्वाइन कर लें, उनसे आपकी मुलाकात करा लें और आपका देना मच्छा कर दें। आज हमारे साथ अली रज़ा मौजूद हैं, अली रज़ा तवक्कल इनका पूरा नाम है, और ये गाते हैं। अब ये कैसा गाते हैं ये थोड़ा सा सरप्राइज़ हमारे लिए भी है, हमने ऑफ एयर तो इनको सुना है, चूँकि अभी इमर्जिंग सिंगर हैं, तो ज़रा बात कर लेते हैं इनसे, पूछते हैं कि कैसी इनकी मौसीकी की जर्नी जा रही है और कैसे इनका यहाँ पे आना हुआ और कैसा लगा इनको आके। अली कैसे हैं आप? आई एम फाइन, आप कैसे हैं? ठीक है। कैसा चल रहा है आपका मौसीकी का सफ़र? बहुत ही शानदार और सुहाना। ठीक, वैसे नॉर्मली शुरू का सफ़र इतना सुहाना होता नहीं है, बड़ा मुश्किल सफ़र होता है ये, सुहाना बड़ी स्ट्रगल करनी पड़ती है, बड़ी क्या कहना चाहिए, मायूसियाँ भी होती हैं और फिर इंसान आगे बढ़ता है। मैं एग्री नहीं करता इस बात। अच्छा, मुझे लगता है आर्ट है ना, आपको बहुत ज़्यादा क्लैरिफाई कर देता है अंदर से, आप बड़े साफ़ सुथरे हो जाते हैं, तो ये एक्सटर्नल प्रेशर्स ना फिर मैटर नहीं करते। यार ये तो आपने बड़ी अच्छी बात की, और पहली दफ़ा इतनी कोई सॉलिड बात मैंने सुनी है कि नए आर्टिस्ट की तरफ से। कब से कर रहे हैं आप बाय द वे म्यूजिक? इट्स बीन अराउंड प्रोफेशनली तो मुझे हो गए अराउंड 5 ईयर्स। 5 ईयर्स हो गए? हाँ, और सीखते हुए ऑलमोस्ट 10 ईयर्स हो गए। तो लाइफ में सिर्फ म्यूजिक है या पढ़ाई या जॉब कुछ और भी है? And I'm in marketing. अच्छा, and I'm silver medalist and I'm going for civil services too. और उसके अलावा मेरा, चूंकि मुझे पता था कि मुझे करना क्या है, और मैं नहीं समझता था कि, मुझे नहीं लगता था कि शायद मैं कोई बहुत अच्छी प्रोडक्ट्स बेच सकता हूँ या मैं कुछ और कर सकता हूँ। मार्केटिंग में क्यों गए? मार्केटिंग में किस लिए जाते हैं जब आपको सेंस नहीं होती ना, आप स्टूडेंट लाइफ के अंदर होते हैं, कोई डिग्री, आपके पेरेंट्स के ऊपर एक्सटर्नल प्रेशर्स होते हैं, अच्छा उसके बच्चे ने ये किया तो आपका बच्चा भी ये। अब जब आपने म्यूजिक करना शुरू किया तो किस तरह का म्यूजिक आप ज्यादा करते हैं? म्यूजिक हर तरह का खूबसूरत होता है, बेसिकली बुनियादी तौर पे वही 12 सुर होते हैं, लेकिन एक फेवरेट जॉनर होता है ना जिसके मुताबिक आप। व्हाट यू लाइक टू डू? आई लाइक टू डू बेसिकली क्लासिकल म्यूजिक। क्लासिकल? हाँ जी। और इसमें आपकी कौन इंस्पिरेशन? आप खुद भी ग्वालियर घराने से आपने बताया, तो आपकी इंस्पिरेशन क्या अपनी ही फैमिली के कुछ लोग हैं या जनरली भी आप किसी सिंगर से बहुत इंस्पायर? नहीं नहीं, मैं बहुत सारे सिंगर से इंस्पायर हूँ। आप अपनी फैमिली से तो होते हैं क्योंकि अल्टीमेटली आप उस एटमॉस्फेयर के अंदर पैदा हुए होते हैं, लेकिन पाकिस्तान के कुछ और बहुत बड़े नाम हैं, फॉर एग्जांपल शाम चौरासी से उस्ताद सलामत अली खान साहब, बड़े गुलाम अली खान साहब बुजुर्ग घराने से, और फतेह अली खान साहब। हमारी जनरेशन इन सब लोगों को जाने, उनको पता हो कि ये लोग क्या थे, ये लोग क्या थे, के ये किस किस्म के चीन है ये मौसीकी। तो सुन लेते हैं बली रज़ा। तो कुछ सुनाया हमें जरा। ओके श्योर, तो ऐसा करता हूँ कि स्टार्ट हाल ही में अपना उस्ताद मेडिसिन साहब की डेथ गुजरी है, तो उनको एक छोटा सा ट्रिब्यूट दे देते हैं सुबह तो आप सबकी इजाजत से। जरूर जरूर। जाने के लिए आ
शे सही किस किस को बताए जबरदस्त। ये कॉम्पोजिशन इतनी प्यारी है, इतनी खूबसूरत है, और फिर शायरी अहमद फराज साहब की, और आप बहुत अच्छा गा रहे हैं। तो यूजुअली तो गज़ल की जानिब हमारे यंगस्टर्स नहीं आ रहे हैं, गज़ल नहीं गा रहे हैं। हर किसी की कोशिश है कि अपना एक कमर्शियल सा कोई नंबर किया जाए और उसी से फेम वेम भी मिल रहा है। बट आई पर्सनली बिलीव कि जब भी कोई इस तरह की चीज़ सामने आती है, जैसे जॉनरा अली सेठी ने अपनाया और उन्होंने ऐसा अपनाया कि अब वो अपनी तरह के एक यूनिक सिंगर हैं पाकिस्तान के अंदर, और उन्होंने ऐसे मुश्किल तजर्बात किए। तो आप कुछ ऐसा करने का सोच रहे हो कि ऐसा कुछ? मेरा एक एल्बम रिलीज हो रहा है ईद के ऊपर। अच्छा, उस एल्बम का नाम है नॉन कमर्शियल। नॉन कमर्शियल उस एल्बम का नाम है? एल्बम का नाम ही नॉन कमर्शियल है। क्या होता है कमर्शियल, मुझे आज तक नहीं समझ आया कि कमर्शियल से मुराद क्या है। या शायद इंग्लिश का एक वर्ड है और हमें उसकी शायद डायनामिक्स का ही नहीं पता, ना उसकी ओंटोलॉजी का पता, ना एपिस्टेमोलॉजी का पता है। क्या होता है कमर्शियल, मुझे आज तक समझ नहीं आया। कमर्शियल वो होता है जो आपकी ऑडियंस को अट्रैक्ट करे, आपको अपने साथ अट्रैक्ट करे, एंड दैट्स इट। अब वो चाहे गजल है, बट आई बिलीव जो मैसेस को अट्रैक्ट करे, और जो मैसेस की चॉइस या मैसेस का जो टेस्ट है उसको अट्रैक्ट करे, ये अच्छी बात है। मैसेज को अट्रैक्ट करना चाहिए, लेकिन मैं समझता हूँ कि जो आर्ट का कोई भी काम होता है ना, ये ख्वास का काम होता है और इसको हर बंदा नहीं समझ सकता। तो आप ये सोच ले कि यार मैंने आर्ट पैसे कमाने के लिए करना है, तब अपनी लाइन को आप डाइवर्सिफाई कर लें। अगर आप समझते हैं मैंने सेटिस्फेक्शन के लिए करना है, मैंने एक लेजेंड बनना है या मैंने एक आर्टिस्ट बड़ा बनना है, तो फिर आपको बड़े की तरफ जाना पड़ेगा। उस्ताद मेहदी हसन खान साहब ने 40 इयर्स के बाद फर्स्ट परफॉर्मेंस दी थी, 40 साल की उम्र के बाद 20-25 साल उन्होंने रियाज किया और उसके बाद फर्स्ट टाइम परफॉर्म किया। तो ये ऐसा गाना है। अच्छा, बट दैट वाज इन 1960s। ना रेडियो पाकिस्तान तक लोगों की इतनी एक्सेस होती थी, ना पीटीवी तक होती थी, बहुत कम लोग ऊपर आते थे, और फिर जो आते थे वो फिल्टर हो जाते थे, अच्छे लोग। मेहदी हसन खान साहब का आपने नाम लिया, अब तो ऐसा नहीं है। अब तो मेरे पास मोबाइल है, मैं अभी बैठ के किसी ऐप से एक गाना रिकॉर्ड करूं और मैं उसको, और मे बी वो वायरल भी हो जाए, तो अब सूरत हाल मुख्तलिफ है थोड़ी। उसके बावजूद आप समझते हैं कि जो हमारी रूट्स हैं म्यूज़िक की, इसकी जानिब आना ज़रूरी है, आप ये कह रहे हैं? देखिए, एक लफ्ज़ होता है नॉन सीरियस। जब एक चीज़ हर किसी की एक्सेस के अंदर हो जाती है ना, तो आप नॉन सीरियस हो जाते हैं। उसके अंदर आपका किसी किस्म का कोई बेंच मार्क नहीं रह जाता। ठीक है, अब देखो पुराने जमाने में हमारे पास एक स्टेट का टेलीविजन होता था। काम वो करें जो हर कोई नहीं कर रहा, ये कह रहे हैं आप? इस तरह का करें, करना चाहिए। लेकिन अपनी रूट्स के साथ अटैच रहना। हमें कुछ और सुनाइए, हम कुछ और सुनना चाहेंगे। चले, आज चूंकि सुबह सुबह का वजह फ्रेश करते हैं, अब आपको गुलाम अली साहब की गजल सुना। जरूर जरूर। ठीक है, राग पहाड़ी के अंदर। वाह जी वाह।
शेर आपके लिए। कुछ तो नाजुक मिजाज है, कुछ तो नाजुक मिजाज है हम भी, कुछ तो नाजुक मिजाज है हम भी, कुछ तो नाजुक मिजाज है हम भी। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। ब्रेक के बाद वापस आ चुके हैं जनाब। और अक्सर अगर देखने में आता है, हम नॉर्मली इस वेदर की बात करें तो हमारा जो पानी का इंटेक है वो काफ़ी कम होता है, जिसमें पानी जिसकी वजह से जिसमें पानी की जो कमी है वो हो जाती है। मगर बहुत सारी रीजंस होती हैं डिहाइड्रेशन के हवाले से। इसके साइड इफेक्ट ये होते हैं कि बहुत बड़ी बीमारी लगने का भी खतरा होता है। पानी की कमी की वजह से जो इंसान डिहाइड्रेशन का शिकार होता है, डिहाइड्रेशन से बचाव के लिए इसके इलामात क्या है, हमें किस तरह से पानी का इंटेक अपना नॉर्मल रखना चाहिए, इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है सिद्रा इम्तियाज जो कि न्यूट्रिशनिस्ट। सिद्रा, सबसे पहले तो आपको खुश आमदीद कहेंगे, थैंक यू सो मच। सिद्रा, गर्मी का मौसम है ऑब्वियसली हम सबको पता है, और हब्स बहुत ज़्यादा है। ऐसे मौसम में हमारा जो पानी का इंटेक है, नॉर्मली जब काम पे होते हैं तो सुस्ती की वजह से बहुत सारी रीजंस की वजह से हमारा पानी का इंटेक उतना नहीं होता जितना रिकमेंडेड है। सबसे पहले तो ये बताएं कि बॉडी को हाइड्रेटेड रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए और कितना पानी की कंजम्पशन हमारी होनी चाहिए। क्या होता है बेसिकली डिहाइड्रेशन का मतलब ये है कि आपके जिस्म में पानी की कमी। क्या अब हम पानी पीते हैं जब हमें सिर्फ प्यास लगती है, जब प्यास लग चुकी होती है उस टाइम तक आपकी बॉडी ऑलरेडी कुछ हद तक डिहाइड्रेटेड हो चुकी है। तो हमें अपनी इस तरह की प्रैक्टिस बनानी चाहिए कि आपको प्यास लगने से पहले ही आप पानी पीएंटेंशनली आप पानी पीएं। जैसे आपको प्यास लगेगी वो तो आप बॉडी ऑलरेडी थोड़ी सी डिहाइड्रेट प्यास कर देखिए कितने ज्यादा पसीना आ रहे हैं। अब इस पसीने के अंदर जो है खाली पानी का इस्तेमाल से ज्यादा बेहतर है कि आप सनस्क्रीन का इस्तेमाल करें, या फिर आप उसके अंदर नमक और थोड़ी सी चीनी डाल के जैसे एक ORS टाइप बना लेते हैं। ORS का इस्तेमाल करें क्योंकि हमारे पसीने की वजह से जिसम से इलेक्ट्रोलाइट्स का लॉस हो रहा है, मादनियात का लॉस हो रहा है। तो ये इसकी वजह से आप देखें कि आप सुस्ती सी रहती है या सर में दर्द की कंप्लेन करते हैं या आपको चक्कर आते हैं, ये सारी चीजें इसी वजह से हैं कि आपके मसल्स क्रैम्प कर रहे होते हैं। मसल क्रैम्पिंग जो है ये सारी अलामत इसकी है कि आपको नमकियात की कमी है। तो आप आजकल पानी के बजाय लेमनेट का इस्तेमाल करें, चीनी की क्वांटिटी हाँ उसके बजाय कम रखें लेकिन वो या ORS आप इस्तेमाल करें। इसके साथ साथ जो है जो डिहाइड्रेशन है खासतौर पर बच्चों के अंदर ज्यादा इसका रिस्क होता है, क्योंकि देखिए बच्चों की बॉडी का ज्यादा हिस्सा जो है वो पानी पर मुश्तमल है। जैसे अगर हम अपनी बात करते हैं तो एक आम बॉडी जो है हमारे एडल्ट की वो 55-78% तक पानी की मुश्तमल होती है, लेकिन बच्चों के अंदर इसकी परसेंटेज ज्यादा होती है। तो बच्चों का पानी ज्यादा ही तो आप इंटेंशनल उनको पिलाएं भी, जूसेस वगैरह आप उन्हें ना दें बिकॉज उसके अंदर ज्यादा कार्ब्स हैं जो कि आपके स्टमक को अपसेट भी कर सकता है। इसके साथ साथ जो बड़े हैं एल्डरली पॉपुलेशन है उनकी बॉडी जो है ना उनके थर्स्ट के सिग्नल ज्यादा आसानी मतलब प्रॉपरली नहीं मिलते, उनको प्यास लग भी रही है लेकिन वो नहीं प्यास उनको पता नहीं महसूस की हो रही होती। इस वजह से बड़ों में और छोटे बच्चों में ज्यादा डिहाइड्रेशन का रिस्क होता है। और सेकेंडली जो लोग आउटडोर एक्टिविटीज करते हैं, जो बाहर जाते हैं, बाहर के काम उनके करना होते हैं, फिजिकल कोई एक्सर्शन है, उनको भी पानी का इस्तेमाल ज्यादा करना चाहिए। और आजकल मैं वही जैसे भी बता रही थी कि आप ORS का इस्तेमाल करें या ना बीच में थोड़ा सा नमक और चीनी डाल के लें ताकि जो आपका इलेक्ट्रोलाइट्स का लॉस हो गया स्वेटिंग की वजह से उसको आप पूरा कर सकें। अगले सवाल के दो हिस्से, एक तो हमारा जो यूजुअल लिक्विड इनटेक है जिसमें सिर्फ पानी नहीं आता है, चाय वगैरह भी कॉफ़ी वगैरह भी आ जाती है, क्या इस मौसम के अंदर इस ह्यूमिडिटी वाले मौसम के अंदर और गर्मी में उसमें भी कोई तब्दीली की ज़रूरत है हमें? क्योंकि बहुत सारे लोग चाय ये समझ के पी रहे होते हैं और ज़्यादा पी रहे होते हैं, कहते हैं जिसका असर ठंडा है। एक तो ज़रा ये हमें क्लियर करें, और दूसरा ये भी है कि आप जब पानी पी रहे हैं तो क्या बहुत सारे पाकिस्तान के अंदर ये ट्रेंड खासतौर पर बहुत ज़्यादा है कि लोग ठंडा पानी पीते हैं, चिल्ड वाटर इस्तेमाल करते हैं, तो इसका भी कोई इम्पैक्ट आता है उसकी प्रोडक्टिविटी के ऊपर कि हम रूम टेम्परेचर पानी पिए तो वो ज्यादा बेहतर है हमारे लिए, या चिल्ड वाटर इज इक्वली फाइन अगर हम वो भी इस्तेमाल करें तो? पता चाहे चिल्ड हो या गर्म हो, हम अक्सर ये चीज सुनने में आती है कि अगर आप गर्म पानी पिएंगे तो ज्यादा आपको
जो है फैट भी बर्न करते हैं। हालांकि इस तरह से कुछ नहीं होता है, चाहे आप गर्म पानी पिए ठंडा पानी पिए, उसकी बॉडी के अंदर जाके जाहिर बॉडी के टेम्परेचर के ऊपर आने के लिए उसको मेहनत करनी पड़ती है, तो उसका कोई खास लिंक नहीं होता आपके मोटापे से। आप गर्म भी पी सकते हैं ठंडा भी पी सकते हैं। डेफिनेटली गर्मियों के अंदर आपको थोड़ा ठंडा पानी ज्यादा हाइड्रेटिंग लगता है, इस वजह से ठंडा पानी थोड़ा सा, अभी ये नहीं है कि उसको बहुत ज्यादा बर्फ वाला आप कर लें, लेकिन थोड़ा सा हल्का सा ठंडा अगर आप लेते हैं तो दैट इज टोटली फाइन। इसके साथ ही आपने चाय की बात की है, तो चाय या कॉफी या स्कोला बेवरेजेस जो होते हैं सारे, इनका डायूरेटिक इफेक्ट, डायूरेटिक इफेक्ट का मतलब ये है कि अगर आप इनको लेते हैं इसके बाद आपको ज्यादा वॉशरूम जाने की जरूरत महसूस होती है, तो जितना आपने इनका इनटेक किया इससे ज्यादा आपकी बॉडी से निकल जाता है। इसकी वजह से ये चीजें कम इस्तेमाल करनी चाहिए, इसके बजाय जो पानी का आप इस्तेमाल कर लें, या इस तरह के आजकल जैसे वो आया हुआ सत्तू है, सत्तू बहुत अच्छा ड्रिंक है, अगर आप उसको लें, उसके न्यूज़ अपडेट आ रही है हम जरा वो ले लें इस वक्त। एहसन इकबाल साहब बात करें प्लानिंग एंड डेवलपमेंट के मिनिस्टर मीडिया से, आपको दिखा ऐश करके गैर ममालिक और बैन अल-अक़वामी इदारों के रहमो करम के ऊपर मुकम्मल तौर पर 100% होती है। हम अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान को इमरान न्याजी की 4 साल तबाहकारी से बचाने की जंग लड़ रहे हैं। आज जो महंगाई है इसका जिन बोतल से इमरान न्याजी निकाल कर गया है, जब उसने पाकिस्तान की करेंसी में तकरीबन 40-50% डिवेल्यूएशन की, इस महंगाई का जिम्मेदार इमरान न्याजी है, जिसने पाकिस्तान के ज़रे मुबादला के ज़खायर को अपने दोस्तों को नवाजने के लिए इस्तेमाल किए, अपने दोस्तों की लग्जरी गाड़ियां इंपोर्ट करने के लिए पाकिस्तान के ज़रे मुबादला के ज़खायर को इस्तेमाल करके हमें इस मुकाम पर खड़ा किया है। तो लिहाजा पीटीआई के क़यादत को मैं कहता हूं कि आप किसी किस्म की तनकीद करने से पहले अपने गरेबान में झांकें और कौम से माफी मांगें जो पाकिस्तान को आप उजाड़ कर गए। वजीर बराए मनसूबाबंदी एहसन इकबाल साहब मीडिया से बात कर रहे थे, आपको दिखाएंगे भी मजीद इस हवाले से आगाह करते रहेंगे। फिल वक्त चूंकि सिद्रा इम्तियाज साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मारे गजाइयात हैं, उनसे हम बात कर रहे थे पानी के इस्तेमाल को लेकर। सिद्रा जो आप पॉइंट बता रही थी, एक तो आपने चाय के ठंडे और गर्म पानी के हवाले से बताया कि इसका बॉडी पे ऐसा कोई इम्पैक्ट नहीं आता है, आप जैसा भी पिए पानी पीना चाहिए, ये ज़रूरी है। चाय का आप बता रही थी, ऑल्टरनेटिव जो एक लिक्विड इनटेक होता है हमारा जो साथ साथ चलता रहता है, वो ज़रा आप प्लीज़ स्टार्ट से हमें दोबारा बताइएगा। जी, चाय की मैं बात कर रही थी कि चाय के इस्तेमाल जो है उसका डायूरेटिक इफेक्ट होता है। अगर आप चाय पीते हैं, कॉफी पीते हैं, जितने भी कोला बेवरेजेस लेते हैं, इनका बॉडी में डायूरेटिक इफेक्ट से क्या मुराद है कि आपको बार बार वॉशरूम जाने की जरूरत महसूस हो। तो अगर आपने एक कप पिया है और आप बॉडी से आपका ज्यादा निकल जाए तो वो डिहाइड्रेशन की तरफ लेके जाता है। इस वजह से गर्मियों में चाय, कॉफी, कोला बेवरेजेस या इस तरह की कोई भी चीज जिसमें कैफीन मौजूद है उसका इस्तेमाल कम करना चाहिए। इसके बजाय आप सत्तू का इस्तेमाल करें। आजकल सत्तू गर्मियां हैं और उसके अंदर सत्तू सबसे बेस्ट बेवरेज है, उसके अंदर एक तो फाइबर भी आपको ज्यादा मिल जाता है, वो इस्तेमाल करें। लैमिनेट का इस्तेमाल करें इस, या आपके पास बहुत सारी ऐसे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स भी आजकल गर्मियों में ऐसी होती है जिसके अंदर वाटर का कॉन्टेंट ज्यादा होता है, जैसे वाटरमेलन है, उसके अंदर काफी हद तक परसेंटेज में पानी मौजूद है। इसी तरह से मेलन आ जाते हैं, या अगर हम सब्जियों में बात करते हैं तो खीरा आ जाता है। इस तरह की चीजों का इस्तेमाल ज्यादा करें ताकि पानी का मतलब सिर्फ पानी नहीं है, वो फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, वो ड्रिंक्स, वो बेवरेजेस, वो सारी चीजें आ जाती हैं जिसके अंदर पानी मौजूद है। अगर आप दूध भी ले रहे हैं तो वो भी एक तरह का फ्लूइड ही है। तो गर्मियों में कोशिश ये करें कि आप अपना पानी का इंटेक भी बेहतर करें, इस तरह की चीजों का ज्यादा इस्तेमाल करें जिसके अंदर वाटर कॉन्टेंट ज्यादा है। जैसे अभी मैंने बता ही दिया कि फ्रूट्स में वाटरमेलन इज हैज अ वेरी गुड अमाउंट ऑफ वाटर, तो उसका इस्तेमाल जो है वो जरूर किया जाना चाहिए। थैंक यू वेरी मच सिद्रा बकरिया, आप वाटर इनटेक के हवाले से इस मौसम में चूंकि डिहाइड्रेशन होती है, तो सिद्रा इम्तियाज हमें बता रही थी कि पानी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें, लेमनेट का इस्तेमाल करें और वो फ्रूट्स इस्तेमाल करें जिनमें वाटर कॉन्टेंट ज़्यादा है, यानी कि वाटर मेलन है, दीगर फ्रूट्स हैं, उनके इस्तेमाल से आपकी जो डिहाइड्रेशन के मसाइल हैं वो हल हो सकते हैं। अभी हम ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं, देखते रहे एक्सप्रेस। वेलकम बैक, अब कुछ हिस्ट्री की बात कर लेते हैं। और 1857 की जो जंग आज़ादी है इसमें बरतानवी तसल्लुत और इसके खिलाफ ये पहली जंग आज़ादी थी जो कि जिसकी तारीख में बहुत अहमियत है। हमारे पास इसी हवाले से हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में लेकर एक रिपोर्ट है खसूसी, वो आपको दिखाते हैं और वापस आते हैं।
1857 जब बरसगीर में आजादी के मतवालों को तोप के साथ बांधकर उड़ा दिया गया। बरसगीर के लोगों ने बरतानवी नौ आबादियाती तसल्लुत के खिलाफ पहली जंग आजादी 1857 में लड़ी। पाकिस्तान में ये जंग 20 मुख्तलिफ मकामात पर लड़ी गई, जिनमें पिशावर, रावलपिंडी, मरी, सियालकोट और लाहौर भी शामिल हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी ने बरसगीर के लोगों का बहीमाना कत्लो गारत किया। ये मुजस्मा शेरबाज खान के बेटे का है, जिसे मरी की एजेंसी ग्राउंड में तोप के आगे बांधकर उड़ा दिया गया। शेरबाज खान के 8 बेटों ने आजादी की इस जंग में अपने लहू का नजराना पेश किया। ये मुजस्मा हमारी तारीख का दर्दनाक बाब है, जो बरसगीर की तारीख आजादी में बारिश का पहला कतरा साबित हुआ। यहां दिखाई गई कांसी की तोप इन नायाब तोपों में से एक, जिनके आगे आजादी के जालों को बांध कर कत्ल किया गया। रिपोर्ट आपने देखी। प्रोग्राम के इख्तिताम की जानिब हम बढ़े, लेकिन उससे पहले हम आपको एक्सरसाइज करवाना नहीं भूलेंगे। सुबह सुबह आपके लिए एक्सरसाइज कराना बहुत ज़रूरी है, उसके लिए खुशी हमारे साथ है। जी खुशी। थैंक यू उर्मिला, थैंक यू इमरान। सो गाइज, आज हम अपर बॉडी की कुछ एक्सरसाइज करेंगे। तो मेरे पास जितनी भी खवातीन आती हैं, डोंट वांट टू डू अपर बॉडी, बिकॉज उनको लगता है कि अपर बॉडी करेंगी तो दे विल गेट बल्कि। सो गाइज, यू वॉन्ट गेट बल्कि, यू विल गेट स्ट्रॉन्गर। ठीक है, आपका प्रोग्राम भी डिपेंड करता है क्या है। सो इट्स डिपेंड्स ऑन हाउ मच कार्डियो यू डू एज वेल। सो गाइज, यू नीड अ पेयर ऑफ डंबल्स। से पहले आपने वार्म अप करना है, जिसमें आपने जो है 30 जंपिंग जैक्स करने हैं, टोरसेस करने हैं और आर्म सर्कल्स करने हैं। देन यू नीड अ पेयर ऑफ डंबल्स, और जो बिगनर्स हैं वो लाइट डंबल्स यूज़ करें। सो गाइज, विल स्टार्ट विद बेंड ओवर रोज। ठीक है, यू हैव टू लीन फॉरवर्ड। मैं साइड से भी पोज दिखा देती हूँ आपको। पुश योर हिप्स बैक, लीन फॉरवर्ड एंड पंच डाउन एंड पुल द वेट अप एंड एल्बोस टक्ड इन, नॉट फ्लेयरिंग आउट, एंड ब्रीद आउट एज यू पुल एंड स्क्वीज योर बैक। सो यू शुड बी लुकिंग डाउन, सो मेक श्योर योर बैक एंड स्पाइन इज स्ट्रेट। पुश एंड पंच डाउन, पुल एंड पंच डाउन, ब्रीद आउट। सेकेंड एक्सरसाइज वुड बी फॉर योर शोल्डर्स, एल्बोज टक्ड इन एंड साइड रेजेस। एल्बोज जो है वही मूव हो रही हैं। कीप योर चिन अप एंड एज यू लिफ्ट द वेट अप, ट्विस्ट एंड ब्रीद अप। सेकेंड, थर्ड एक्सरसाइज इज बाइसेप कर्ल्स, चेस्ट अप, टक योर बट इन, टक योर स्टमक इन एंड ब्रीद इन एज यू पुल द वेट अप एंड ब्रीद अप। सो गाइज, थर्ड एक्सरसाइज यू लीन फॉरवर्ड अगेन। मैं इसे साइड पे दिखा रही हूँ ताकि आपको पॉस्चर का पता लगे। लीन फॉरवर्ड, बैक शुड बी स्ट्रेट, लंबर इज कर्व्ड एंड एल्बोस पुल बैक एंड किक बैक, एक्सटेंड योर आर्म्स एंड ब्रीद इन, एंड जैसे आप लॉक करेंगे एल्बोस को ब्रीद आउट। सेम वे लुक डाउन, मेक श्योर नेक से स्पाइन तक आपकी बैक स्ट्रेट हो, ब्रीद इन, एक्सटेंड, ब्रीद आउट। सो दीज आर द 4 एक्सरसाइजेस हमने बैक की एक की है, एक शोल्डर की है, 2 आर्म्स ही की हैं। सो गाइज, आप इसको 10-15 रेप्स कर सकते हैं, 5-6 राउंड्स। अगर आप लाइट वेट यूज़ करें तो आपने 20 रेप्स करने हैं, ठीक है, एंड 4 राउंड्स। ठीक है, ट्राई दीज एक्सरसाइजेस एट होम एंड इंशाल्लाह यू हैव मोर स्ट्रॉन्गर अपर बॉडी। थैंक यू वेरी मच खुशी, बहुत शुक्रिया सुबह सुबह एक्सरसाइज कराने के लिए जनाब। और जाते जाते एक और अच्छी खबर, बाबर आजम ने डिसाइड कर लिया है कि विराट कोहली का कोई भी रिकॉर्ड उन्होंने उनके पास नहीं रहने देना। आईसीसी ने जी तीनों फॉर्मेट में आलमी रैंकिंग कायम की है और काबिले फखर कप्तान बाबर आजम ने T20 में विराट कोहली का एक और रिकॉर्ड तोड़ दिया है। पाकिस्तानी कप्तान 1014 रोज तक नंबर 1 पोजीशन पर रहने वाले दुनिया के पहले बैटर बन गए हैं। विराट कोहली का रिकॉर्ड 1013 दिन का था, और इस हवाले से बात करें मोहम्मद रिजवान की तो जनाब दूसरे, जबकि विराट कोहली 21वें नंबर पर चले गए हैं। बहुत बड़ी बात है जी, 1014 दिन तक नंबर 1 रहना। हैट्स ऑफ टू यू बाबर, कीप इट अप, और ऐसे ही चलते रहें, हमें प्राउड बनाते रहें। इस पॉइंट के ऊपर प्रोग्राम खत्म करते हैं, कल मिलेंगे इंशाल्लाह। टेक अ गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, अल्लाह हाफिज़।